हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट ईवीएस की वर्कशीट चैप्टर्स गेम्स वी प्ले। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वर्कशीट देखेंगे कि बच्चों को इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। वन मीन्स टू रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी। किसका मतलब माइंड और बॉडी को रिफ्रेश करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्रिएशन, RECREATION। रिक्रिएशन मीन्स टू रिफ्रेश आवर बॉडी, आवर माइंड एंड बॉडी। नंबर टू, आउटडोर गेम्स आर प्ले इन द आउटसाइड द हाउस। आउटडोर गेम्स हम कहाँ खेलते हैं बच्चों? घर के बाहर खेलते हैं, तो आउटसाइड द हाउस क्या हो गया? आउटसाइड द हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर थ्री, डैश एंड डैश आर टाइप्स ऑफ इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स के कोई भी टू टाइप्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो चलिए, चलो मैंने यहाँ लिख दिया लूडो एंड चेस। ये दोनों क्या है? इंडोर गेम है। तो लूडो एंड चेस आर टाइप्स ऑफ इंडोर गेम्स। नंबर फोर, हॉकी इज एन गेम। हॉकी किस प्रकार का गेम है बच्चों? तो हॉकी जो है हमारा आउटडोर गेम है। हॉकी हम कहाँ खेलते हैं? बाहर खेलते हैं, तो ये हमारा आउटडोर गेम है। तो यहाँ पे हो गया आउटडोर गेम, हॉकी इज एन आउटडोर गेम। नंबर फाइव, डैश टू म्यूजिक इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। म्यूजिक एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। किस प्रकार? लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना जो है, TENING, लिसनिंग टू म्यूजिक इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। म्यूजिक सुनना रिक्रिएशनल एक्टिविटी, म्यूजिक सुनना एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। नंबर सिक्स, कैरम इज एंड गेम। कैरम किस प्रकार का गेम है? तो कैरम जो है हमारा इंडोर गेम है, जिसे हम घर में खेलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है मैच द फॉलोइंग्स। ये इमेज दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है कि कौन से गेम का इमेज है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन यहाँ खेला जा रहा है, देख रहे हैं बच्चों? तो ये जो है इसके साथ मैच हो गया। नेक्स्ट क्रिकेट, क्रिकेट ये देखिए, तो दिस इज क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा हो जाता है फुटबॉल, तो ये आपका फुटबॉल है, देखिए दिस इज फुटबॉल। नेक्स्ट बास्केटबॉल, तो दिस इज बास्केटबॉल। नेक्स्ट हमारा हो जाता है टेबल टेनिस, दिस इज टेबल टेनिस। एंड हॉकी, दिस इज हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, सी राइट यस फॉर द करेक्ट सेंटेंसेस एंड नो फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। नंबर वन, वॉचिंग टेलीविजन इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। टेलीविजन देखना क्या एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है? सही है बच्चों, मैंने आपको बताया था रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब होता है हम अपने माइंड और बॉडी को फ्रेश करते हैं, तो हम माइंड से फ्रेश हो जाते हैं टीवी देखने के बाद। तो दिस इज यस, दिस इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस। नंबर टू, आउटडोर गेम्स आर प्ले इन द इनसाइड द हाउस। आउटडोर गेम हम घर के अंदर खेलते हैं, ये सही है गलत? रॉन्ग, नहीं खेलते हैं। आउटडोर गेम हम घर के बाहर खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट नंबर थ्री, प्लेइंग कार्ड्स इज अ इंडोर गेम्स। प्लेइंग कार्ड इज अ इंडोर गेम, प्लेइंग कार्ड इंडोर गेम है। यस, प्लेइंग कार्ड यानी कार्ड्स को हम घर में खेलते हैं,
तो ये इंडोर गेम्स हैं। इंडोर गेम्स किसे कहते हैं बच्चों? जो कि हम घर के अंदर खेलते हैं। नेक्स्ट, साइकिलिंग इज अ आउटडोर गेम। साइकिलिंग इज अ आउटडोर गेम? नो, क्योंकि साइकिल हम कहाँ चलाते हैं? घर के बाहर चलाते हैं, तो साइकिलिंग इज ए आउटडोर गेम। यस सॉरी, तो साइकिलिंग एक आउटडोर गेम्स है क्योंकि साइकिल हम घर के बाहर चलाते हैं। नेक्स्ट, कैरम इज एन इंडोर गेम। यस, कैरम क्या है? इंडोर गेम है क्योंकि कैरम को हम घर के अंदर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, राइट डाउन द फॉलोइंग। पहला है राइट डाउन टू इंडोर गेम नेम। इंडोर गेम्स नेम, दो इंडोर गेम्स का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लूडो, और दूसरा आप लिख सकते हैं चेस। ये दोनों हमारा क्या है? लूडो एंड चेस इंडोर गेम्स है। नंबर टू, राइट डाउन टू आउटडोर गेम्स नेम। यहाँ पर हमें आउटडोर गेम्स के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर हम आउटडोर गेम्स में लिख सकते हैं हॉकी, और दूसरा हम लिख सकते हैं फुटबॉल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, और पैराडिक टेस्ट के क्वेश्चंस पेपर भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।